हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अमरदीप आर्ट एंड क्राफ्ट। सबसे पहले तो दोस्तों मैं प्रे करूँगा आप लोग COVID-19 के टाइम अपने घर पे सेफ होंगे सभी। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल में थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग ऋतिक रोशन का पोर्ट्रेट स्केच बना रहे हैं। इसमें मैं आज पहले आइज पार्ट कवर करूँगा, पार्ट वन है ये मेरा। जैसे हम अभी दोस्तों 6B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं आर्ट लाइन की, इसमें आउटलाइन कर रहे हैं आइज की, लेफ्ट साइड वाली आइज की 6B से कर रहे हैं। ये हमने डार्क कर दी ग्रेफाइट 6B। अभी सेंटर में छोटा सर्कल भी हमने 6B से बनाया दोस्तों। अब हमें सर्कल में लाइट लाइट यूज करेंगे HB साइज से। अभी टॉम्बो मोनो इरेजर से मैंने लाइट कर लिया था दोस्तों। आईज में यहाँ पे हमें व्हाइट स्पेस देनी हो, पे हम पहले से व्हाइट स्पेस दे सकते हैं, बाद में इरेजर से हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज जेल पेन से भी कर सकते हैं। वाइट जेल पेन से जैसे मैंने अभी करा, वाइट जेल पेन से। अभी मैं 4B से ऊपर करेंगे हम। लाइट यूज़ करना है, शार्पन पेंसिल होनी चाहिए हमारी, लाइट हैंड से करना है, कोई फोर्स कोई प्रेशर यूज़ नहीं करना। अभी मैंने डबल लेयरिंग कर दी। अब हम देख सकते 4B से करेंगे हम लोग पहले आईब्रोज कवर लेफ्ट साइड की, लाइट हैंड से बिना किसी प्रेशर के मैं काम कर रहा हूँ। अब जहाँ हमें डार्कर पार्ट करना है उसको हम दोबारा लेयरिंग कर लेंगे। अभी मैं 10B से कवर कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। दोस्तों, मैंने आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करी है इसमें, ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल कहीं यूज़ नहीं करा मैंने। आइवरी शीट यूज़ कर रहा हूँ मैं, A4 साइज। दोस्तों, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम ये HB से हाईलाइट करेंगे डबल लेयरिंग। ये हम लोग आउटलाइनिंग लाइंस बना लेंगे कर्व शेप में, HB से बनाएंगे हम पहले। सिंगल लेयरिंग करी मैंने, इसमें डबल लेयरिंग कर रहा हूँ। ये दोस्तों, मैं अपनी फोटो को, रेफरेंस फोटो को देखते हुए बनाना है, कितनी डार्क कितनी लाइट है, कितना हाईलाइट करना है, रेफरेंस फोटो का अकॉर्डिंग इसमें करना है हमें डार्क लाइट हाईलाइटिंग। अभी थोड़ा सा HB साइज से कर लेंगे हम लोग हाईलाइट के लिए। दोस्तों, मैंने इसमें ब्लेंडिंग टूल में पेपर स्टम्प यूज करा है। HB साइज से हम लोग अभी हाई करेंगे शेडिंग। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड की आईज रेडी हो गई। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अमरदीप आर्ट एंड क्राफ्ट। नीचे रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन दबा दे अगले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, पार्ट टू के लिए। अभी दोस्तों, मैं सिंगल लेयरिंग फर्स्ट लेयरिंग कर रहा हूँ इसमें शेडिंग की, HB साइज से फर्स्ट लेयरिंग। ब्लेंडिंग हम पेपर स्टम्प से करेंगे। अब इसमें हम डबल लेयरिंग करेंगे सेकंड लेयरिंग HB साइज से। ये भी हमें अपने रेफरेंस फोटो को देखना है कि रेफरेंस फोटो में कितना डार्क कौन सा पार्ट है, हाईलाइट कौन सा करना है, वाइट कौन सा है। अभी में HB साइज हम शेडिंग इसमें HB साइज से ही करेंगे। जैसे हमने लेफ्ट आईज बनाई थी वैसे ही राइट साइड की आई बनानी है हमें। इसमें मैंने स्टार्टिंग में पहले 6B पेंसिल यूज करी है डार्क करने के लिए, हम 8B कर रहे हैं। अब हम 10B से करेंगे बिल्कुल डार्क आईब्रोज में। मैं रेफर करूँगा अभी चारकोल पेंसिल यूज़ ना करें, आईज में कलर फैल जाता है, ग्रेफाइट का डार्क ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मेरे को बेटर वही लगता है। अब हम लोग आईज करेंगे कवर HB साइज से पहले लाइट कलर। अब हम 6B से डार्क करेंगे। पेपर स्टम्प से लाइट कर लेंगे। जहाँ पे वाइट स्पेस वाइट हाईलाइट करना हो उसको
पेन से कर सकते हैं, जेल पेन से। यूनिबॉल का पेन यूज़ करा मैंने इसमें जेल हाईलाइट के लिए, ये भी 10B से करा मैंने। दोस्तों पेंसिल हमें शॉर्प करके यूज़ करनी चाहिए अच्छे से इसमें। लाइट लाइट हमने HB से करा है। हाईलाइट के लिए मैंने इसमें इरेजर यूज करा है टॉम्बो का। आप लोग दोनों आईज देख ही सकते हैं, रियलिस्टिक लग रही है। राइट साइड में शेप भी कर्व हो गया है। ये हमने डार्क HB से करा है शेडिंग, फर्स्ट लेयरिंग। सेकंड लेयरिंग कर रहे हैं हम। ये वाइट के लिए अपने टॉम्बो इरेजर यूज कर रहे हैं इसमें। ये डार्क हमने 10B से करा, हाईलाइट के लिए टॉम्बो इरेजर। दोस्तों शेडिंग करने का स्टाइल हमें आना चाहिए अच्छे से। हमने HB से शेडिंग करी फर्स्ट लेयरिंग। पेपर स्टम्प्स अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। इस साइड में बाउंड्री के लिए रिफ्लेक्टर। ये हमने पेपर इरेजर से कर लिया हाईलाइट। डार्क करने के लिए हमने डार्कर यूज कर ली। दोस्तों मैंने जेल पेन यूज करा व्हाइट, हल्के हल्के डॉट्स हाईलाइट के लिए। अब हम फोरहेड में पहले फर्स्ट लेयरिंग करेंगे HB साइज से। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको सबको रिप्लाई करूंगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो 1-to-1 इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को कर सकते हैं फॉलो करके, मैसेज कर सकते हैं पर्सनल, वहाँ पे हम 1-to-1 करेंगे मैसेज क्वेरी सॉल्व। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमरदीप आर्ट एंड क्राफ्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अभी बेल आइकन बटन दबा दे, चैनल में जुड़े रहे मेरे साथ। दोस्तों इसके पार्ट टू के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद दोस्तों।